फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, तो फेस्टिवल तो वो अक्टूबर फेस्ट की तरह ही है। यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कि फ्री टूर कहाँ से जाता है। यहाँ पर भी एक पोर्शन बना हुआ है और यहाँ पर भी। और यहाँ से अगर आप देखें, पहले बस की बैक साइड भी देख लेते हैं। और ये इस वक्त मैं हूँ मेन सेंट्रल स्टेशन के बाहर से, वहाँ से मैंने ये 245 नंबर बस ले ली है, क्योंकि मेरे पास कार्ड है तो मैं किसी भी ट्रांसपोर्ट में बैठ सकता हूँ। और अभी इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रैंडनबर्ग गेट की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, वहाँ पे फ्री टूर्स वहीं से चलते हैं। और आप इस तरह की ये येलो बसेस, और आप बस पर बैठकर आप बर्लिन पैलेस की तरफ जाएंगे। पैलेस से वॉक करते हुए आप पहुँच जाएंगे ब्रैंडनबर्ग गेट। आपको नज़र आ रही है 245 S-Bahn U-Bahn अलेक्जेंडर प्लाट्स, और यहाँ इसने मुझे उतारा है इस वक्त। ये कहलाता है अंटर डेन लिंडन, ये मेन बुलेवर्ड है इनका। और वैसे आप जो मेन स्टेशन है वहाँ से ये 245 बस ले और पैलेस की तरफ, बर्लिन पैलेस की तरफ चले जाएं। लेकिन ये बस आपको यहाँ पर एडलॉन होटल के करीब भी उतारे। और ये देखिए, ये ई बाइक्स हैं, ये सारी ई बाइक्स हैं, जगह जगह आपको मिलेंगी खड़ी हुई। आप एप्लीकेशन के थ्रू इसको बुक कर सकते हैं। और ये जो लोग आ रहे हैं, ये सारे ग्रुप्स, ये बाइक टूर पे हैं, टूरिस्ट हैं, ये बाइक टूर कर रहे हैं और ये ग्रुप्स में यहाँ पर घूमते हैं। और बाइक टूर बहुत अच्छा और सस्ता होता है, 24 घंटे का तकरीबन 10 यूरो का बाइक टूर आप कर सकते हैं बर्लिन में। अगर आप ट्रेन के रास्ते आते हैं तो ट्रेन ये आपको इन स्टेयर्स के पास उतारेगी, यानी इसके नीचे इस वक्त एक ट्रेन स्टेशन है। और वहाँ से निकलते ही आप एडलॉन होटल के पास, ये एक 5-स्टार बड़ा फेमस एडलॉन होटल है, माइकल जैक्सन भी यहाँ आकर रहा था। और ये इनके पास रोल्स राइस है और होटल की अपनी BMW इनके पार्किंग में खड़ी है, और बिल्कुल इसके सामने ब्रैंडनबर्ग गेट है। वो ग्रीन जो आपको राइट साइड पे छत नज़र आ रहा है, उसके बिल्कुल साथ फ्रेंच एम्बेसी है। और इसी के हवाले से, इसे पेरिस के हवाले से, इसे प्रेजर प्लाट्स कहते हैं, पेरिसर प्लाट्स कहते हैं, ये जिस एरिया में हम हैं। और ये 3 टायर वाला जो है, ये बाइक टैक्सी कहलाती है, इको टैक्सी, ये भी टूरिस्ट्स के लिए है। अब हम आ गए हैं जी एक हिस्टोरिक जगह पर। ये बड़ी तारीखी जगह है इसलिए क्योंकि ये ब्रैंडनबर्ग गेट के बिल्कुल साथ है। और ये अंटर डेन लिंडन जहाँ ख़त्म होता है, तो उस स्क्वायर को कहते हैं पेरिसर प्लाट्स। ये सारा एरिया पेरिसर प्लाट्स है, पेरिस के हवाले से इसलिए क्योंकि नेपोलियन के खिलाफ जो फौजें थीं, जब वो सारी मिल गई और उन्होंने बैटल ऑफ पेरिस में 1814 में उसको शिकस्त दी, तो इस जगह पर ये मेन पॉइंट बन गया जहाँ पर सारी डिस्कशन होती थी। और इसी वजह से यहीं पर फ्रेंच एम्बेसी।
क्या ख़ास बात है कि सब लोग इस गेट के पास आते हैं। पिलर्स और पिलर्स के अंदर ड्राइंग्स, yeah, I speak English. Back patrol. Your back. I must see in your back. Going. I'm looking for a free tour. Okay. So where do I go? Where do I go? Like, there's any tour here? You don't understand the tour. No tour here. It goes from outside there. यहाँ से देखें। इसने बैग खोल के देखा। खाने पीने की चीज़ें थी, पानी की बोतल थी। तो फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। तो फेस्टिवल तो वो अक्टूबर फेस्ट की तरह ही है। और छह बड़े पिलर्स और उसके अंदर डिफरेंट किस्म का आर्ट वर्क हुआ है। और बाकी इस तरफ को तो एक दो पिलर्स के दरमियान में से आप आ सकते हैं। वेल मेंटेन्ड है ये। इसकी पिलर की थिकनेस आप देख लें, काफी थिक है। फ्री टूर, एक फ्री टूर चल रहा है। यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कि फ्री टूर कहाँ से जाता है। फ्री टूर इंग्लिश में। ये गेट के ऊपर चार घोड़े जो बने हुए हैं और गेट की बाकी चीजें, सेंटर में तीन पिलर्स, एक तरफ तीन एक तरफ, दरमियान वाला जो पोर्शन है वो बड़ा है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ से हम जाएंगे तो ये सेंटर वाला बड़ा है और साइड वाले दो जो हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी एक पोर्शन बना हुआ है और यहाँ पर भी। दिस पार्ट ऑफ माई वीडियो इज इन इंग्लिश एंड इट्स अ वॉइस ओवर। फाइनली आई वॉज एबल टू फाइंड a free tip-based tour in English, and our tour guide was Gilles Rosenies. She was from Israel, which we call Israel in our local language. She was a student in Berlin, a very intelligent person, and she knew English, Hebrew, and German as well, and she also works for some theater. By one of the famous Prussian kings, his name was Friedrich Wilhelm II. Okay, I'll give it to you very shortly. Germany used to be split to many German kingdoms. There was not one Germany, but there were 28 kingdoms. Okay, and the most powerful kingdom was the Kingdom of Prussia, which is where we are right now. Berlin used to be a part of the Kingdom of Prussia, and they had their own royal family. Okay. They're called the Hohenzollern.
And all of their kings were either called Friedrich or Wilhelm or Friedrich Wilhelm. They were not very creative, okay? So this guy built this gate in 1789, but it was not the only gate. Back then, there were 18 gates that surrounded the city of Berlin. It was kind of a city wall. It was a wall of commerce. People went through the gates when they wanted to come back into the city, and they had to pay taxes, right? Because Germans love taxes. And this is how they collected taxes from the people. Okay. Now, the king built this gate a little bit more specially because, as opposed to the other gates, it was also very important for him specifically because this gate also led on its other side to his own palace. This is where the king used to come. You see in the middle there.